हेलो भाई, वेलकम टू गौरव का टैक। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ किया सोनेट 1.2 पेट्रोल वेरिएंट, जो कि है HTK। किया सोनेट HTK वेरिएंट, मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट। वीडियो पूरी देखना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आप वीडियो अधूरी छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ आपको एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाना, और घंटे का बटन दबा के आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में हमें इसके कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। अपडेट वेरिएंट जो 2022 अपडेट वेरिएंट है, इसके अंदर फ्रंट से हमें कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। फ्रंट में हमें सेम मैनुअल वाइपर मिलेंगे, सेम बोनट मिलेगा, न्यू किया की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, टाइगर नोज ग्रिल देखने के लिए मिलेगी मैट ब्लैक फिनिश में, और नीचे आपको कुछ सिल्वर डिजिटल ग्रिल भी देखने के लिए मिलेगी। सराउंडिंग नहीं मिलेगी, बस लोअर में ग्रिल के देखने के लिए आपको मिलेगी। नीचे नंबर प्लेट की जगह और जो इसकी लोअर ग्रिल है वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। जो स्किट प्लेट है इसकी सिल्वर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ टॉइंग हुक की जगह आपको मिल जाएगी। फॉग लैंप इस वेरियंट के अंदर हमें नहीं मिलता HTK वेरियंट के अंदर। वहीं ऊपर आते हैं तो कुछ इस तरह के हाइलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ साइड में इंडिकेटर प्लेस किए हुए हैं। तो ये पूरा फ्रंट आप गाड़ी का चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल से स्टार्ट करें तो जो हमें सबसे ज़्यादा खलता है, जो हम लोगों को बुरा लगता है, वो लगता है फेंडर पे इंडिकेटर, क्योंकि अब हमें आदत हो चुकी है इसके ORBM पे इंडिकेटर देखने की। तो यहाँ फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, नीचे कुछ ग्लेडिंग देखने के लिए मिलेगी। वहीं अलॉय व्हील्स लुक वाली आपको रिम देखने के लिए मिलेगी। ये रिम है, अलॉय व्हील्स नहीं है। फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। टायर साइज़ आपको 215/60/16 का देखने के लिए मिलेगा। सस्पेंशन में सोनेट के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। बाकी यार ये चीज़ ना इनको हटा के अभी यहीं शिफ्ट कर देनी चाहिए। ये इंडिकेटर इन्होंने ORBM पे इनको लिया ले आना चाहिए। ए पिलर हमें सेम बॉडी कलर में देखने के लिए मिला है। रूफ रेल्स इसके नहीं मिलेंगे और ए पिलर सेम बॉडी कलर रहने वाला है। ORBM हमें इसके सेम बॉडी कलर में मिलेंगे। ऑटो एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं है। नीचे ब्लैक और ऊपर कुछ बॉडी कलर देखने के लिए मिलेगा। वहीं ड्राइवर डोर पर आए तो की इसमें हमें की मिलती है, तो की जगह मिलेगी। कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, सेम बीडिंग मिलेगी। और बी पिलर इसका मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। वहीं डोर के नीचे का कुछ हिस्सा आपको ब्लैक भी देखने के लिए मिलेगा, और जो रनिंग बोर्ड है वो मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ग्लाइडिंग से कनेक्ट हुआ आपको दिख रहा होगा। वहीं रेट की बात करें तो सेम ब्रेक आपको डिस्क नहीं मिलने वाले, रेयर ब्रेक इसके हमें ड्रम मिलने वाले हैं। और वही जैसा मैंने बताया आपको कि जो इसका सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है इसके रिम, अलॉय व्हील्स वाली लुक देने वाले। वहीं पैसेंजर डोर से पहले आपको एक छोटा सा क्वार्टर पैनल ग्लास देखने के लिए मिलेगा, और पूरा आप इसका रियर लुक चेकआउट कर सकते हैं। इसकी बैटरी डाउन है इसलिए मिल सॉरी यार, थोड़ा दो दिन से फीवर है, तबीयत खराब है, गला खराब है, और खांसी आ गई थी बीच में, कफ आ गया था, नोट मत करना, इग्नोर। तो यहाँ कुछ इस तरह के हमें रियर LED टेल लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आपको इंडिकेटर, ये बैक लाइट, ये हार्ट बीट में ही चलेगी जो इसकी रियर टेल लैंप है। यहाँ आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, ये इससे सिर्फ रिफ्लेक्टर मिलेगा, जिसकी कनेक्टिविटी दोनों साइड मिलेगी, ड्राइवर साइड से को ड्राइवर साइड तक टेल लैंप के अंदर, रियर टेल लैंप के अंदर आपको कनेक्टिविटी इसकी देखने के लिए मिलेगी। रियर ग्लास हमें इसका प्लेन देखने के लिए मिलेगा, कोई डिफॉगर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा, और एंटीना हमें इसमें नॉर्मल मिलने वाला है, शार्क फिन एंटीना इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगा। वहीं नीचे आएंगे तो हमें किया की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी, उससे नीचे नंबर प्लेट की जगह। टोटल 2 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए गए हैं HTK वेरिएंट के अंदर। नीचे स्किड प्लेट आपको सिल्वर देखने के लिए मिलेगी। तो पूरा रेयर लुक आप इसका चेकआउट कर सकते हैं, और सोनेट का फाउंड भी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। 2 रिफ्लेक्टर भी इसके बम्पर में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, रेयर बम्पर में। तो पूरा को ड्राइवर साइड आप इसका चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी कैसी लग रही है देखने में, जो इसमें सबसे अट्रैक्टिव लुक है वो है इसके ये जो रिम्स हैं, अलॉय व्हील लुक देने वाली लुक। तो भाई ये था पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। अब चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की हमें की मिलती है देखने के लिए। ये स्मार्ट की नहीं है, ये मैनुअल फ्लिप की है, जो कि यहाँ से ऐसे की बाहर निकलेगी, ठीक है। इसमें आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन, और बूट गेट भी आप सेंटर लॉकिंग के थ्रू, रिमोट के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर से पहले मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इसमें हमें 1.2 लीटर इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर का, जो कि पेट्रोल में है। ये 82 BHP, 82 BHP और 115 NM का टॉर्क जनरेट करता है, और 18.4 की इसकी माइलेज किया क्लेम करती है। बाकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे कि आप किस तरह से गाड़ी चलते हैं, एवरेज निकालना भी आप लोगों के हाथ में। कहीं तक 95% मेरे हिसाब से आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी की एवरेज निकालना। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है इसमें,
कुछ इस तरह के हमें ड्राइवर डोर देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश में। ये डोर ओपनर सिल्वर, ये लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ आपको RVM कंट्रोल यूनिट मिलेगी, सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिएक्टेबल नहीं है, यहाँ से सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए चारों विंडो पावर मिलेंगी, ऑटो अप डाउन कोई नहीं मिलेगा, ना ड्राइवर ना को ड्राइवर, बाकी चारों विंडो आपको पावर मिलेगी। ये गाड़ी ग्लास लॉक अनलॉक करने, डोर एक्सेस हैंडल, यहाँ पे इसमें टोटल हमें चार स्पीकर मिलते हैं, ट्विटर इस गाड़ी के अंदर वेरिएंट के अंदर हमें नहीं मिलते। यहाँ वाटर बॉटल स्पेस और यहाँ पे अम्ब्रेला स्पेस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं इंटीरियर में जब हम एंट्री करेंगे गाड़ी के अंदर, तो STK वेरिएंट के अंदर हमको कुछ इस तरह की सेमी लेदर फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिलेगी, जो कि एडजस्टेबल हाइट के साथ आती हैं और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ हमें एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे, जैसा मैंने आपको बता चुका किया कि हर गाड़ी में आपको बेस मॉडल से चार एयरबैग मिलेंगे। यहाँ आपको हेडलाइट एडजस्ट का बटन मिल जाएगा, ऊपर आपको AC वेंट मिल जाएगा, जिसके तरफ चारों तरफ भी आपको सिल्वर डिजिटल बीटिंग देखने के लिए मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो कुछ इस तरह का 3-स्पोक विदाउट रैप हमें स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा एसटीके वेरिएंट के अंदर। मैं सॉरी प्लस बोल गया, जहाँ पे आपको यानी जो सिल्वर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपके इन्फोटेंट कंट्रोल के यूनिट्स, यहाँ आपका क्लस्टर कंट्रोल की यूनिट, क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता हमें देखने के लिए। वहीं स्टीयरिंग आप अप डाउन कर सकते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, खाली टिल्ट अप डाउन मिलेगा। यहाँ आपकी हेडलाइट के सारे कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ आपका वाइपर्स के सारे कंट्रोल मिलेंगे और यहाँ आपका क्लस्टर कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। इसकी बैटरी लो है, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने की लगा के देखी इसकी, जैसे की ऑन करते हैं तो यहाँ इसकी बैटरी लो है। हम इसकी क्लस्टर कंट्रोल इस टाइम नहीं दिखा पा रहा मैं सॉरी आपको, बट बता दूँ यहाँ हमको डिजिटल MID मिल जाती है। यहाँ पर आपका स्पीड मीटर मिलेगा डिजिटल में, ये आपका एना क्लॉक में RPM मिलेंगे, यहाँ आपका फ्यूल गेज और ये इंजन टेम्परेचर गेज। इसमें आपको TMPS, EBD, ABS वगैरह सब कुछ मिलेगा। और वहीं स्टार्ट करते हैं इसके डैक्सबोर्ड से, तो कुछ इस तरह का डैक्सबोर्ड देखने के लिए हमें इसका मिलेगा, कुछ कुछ मैट ब्लैक फिनिश ही है इसकी भी। यहाँ पे को ड्राइवर एयरबैग, टोटल चार एयरबैग हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर और यहाँ आपको कॉर्निंग एयरबैग, दो एयरबैग आपको सीट में देखने के लिए मिलेंगे, तो टोटल चार एयरबैग हमें बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं इन्फोटेंट सिस्टम की बात करें, तो इस तरह का डोर ट्रेनर में इन्फोटेंट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, AM/FM वगैरह मिलेगा आपको, और नीचे आपको पार्किंग लाइट का बटन, दोनों तरफ दो AC वेंट। यहाँ पे आपकी फैन स्पीड शो होगी, 8 यूनिट्स हैं टोटल, 8 यूनिट तक आपकी स्पीड से भी। ये आपका AC के मोड, यहाँ से आप टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे AC बटन, ये AC मोड, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ मिलेगा, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ मिलेगा गेयर कंसोल के अंदर, जहाँ पे आपको चारों तरफ कुछ सिल्वर देखने के लिए मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB 2 पॉइंट मिल जाते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाता है मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। बाकी गेयर कंसोल काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका अभी देखने के लिए। ये कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा, मैनुअल 5 गेयर ट्रांसमिशन के साथ ये वेरियंट हमें मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलेंगे आपको गेयर कंसोल के अंदर ही, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा स्पेस भी दिया गया है, जो कि आप देख रहे होंगे वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं इजीली आप अपना। वहीं मैनुअल डिमिंग IR भी हम देखने के लिए मिलेंगे हमें इसमें। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर, ये 2 येलो रीडिंग लाइट्स मिलेगी। वहीं सन वाइजर बात करें, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा और दूसरी साइड आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा, बट लाइट नहीं है। वहीं ग्लोब बॉक्स आपको बिल्कुल सिंपल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लाइट भी नहीं है और ना कोई कूलिंग वगैरह का मिलेगा, क्योंकि ये बेस से सेकंड बेस वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलतीगी। तो पूरा आप फ्रंट चेकआउट कर सकते हैं, ड्राइवर फ्रंट कैसा लग रहा है देखने में, सीट काफ़ी कंफर्ट है, गाड़ी भी काफ़ी कंफर्ट है और बोनट व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है गाड़ी में देखने के लिए। अब चलते हैं पैसेंजर साइड पर, तो पैसेंजर डोर पर आते हैं, तो यहाँ हमें STK वेरियंट के अंदर कर्टन नहीं मिलता, ये डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक, यहाँ पे ग्लास अप डाउन कर लिए, डोर एक्सेस करने के लिए हैंडल, यहाँ पे स्पीकर प्लेस किया हुआ है, टोटल 4 स्पीकर और 2 डिन स्पीकर स्टीरियो मिलता है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ वाटर बॉटल स्पेस मिल जाता है हमें देखने के लिए। मैनुअल सेमी लेदर फैब्रिक सीट्स मिल जाती है विथ एड ऑन हेडरेस्ट के साथ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस वेरियंट के अंदर हमें नहीं मिलते। पीछे आपको पैसेंजर साइड भी 2 AC वेंट मिल जाएंगे देखने के लिए, जिसके चारों तरफ आपको सिल्वर मिलेगा, एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और पीछे कुछ मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाएगी कैरी करने। बूट स्पेस की बात करें, तो इसका 392 लीटर का हमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं, बूट गेट खोल नहीं सकता क्योंकि इसकी बैटरी लो है। तो भाई ये था एक्सटीरियर इंटीरियर किया सोनेट HTK 1.2 पेट्रोल का
वॉक अराउंड जिसमें आपको एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों दिखाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताएं, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो इसी तरह देखते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें सब्सक्राइब का बटन दबा के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय।